हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 का जो एग्ज़ाम डेट है वो है 6 जुलाई। ठीक है, 6 जुलाई को आपका पेपर होने वाला, एग्ज़ाम डेट फिक्स हो चुका है ऑलरेडी। और बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। अगर आपने फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया और 2022 में बीएड करना चाहते हो भाई, तो अब देर मत करो, फॉर्म फिल कर दो, वरना बाद में बहुत दिक्कत आने वाली है। 15 मई लास्ट डेट है। ठीक है, तो अब भाई बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो फॉर्म फिलअप करने के बाद में अब तैयारी शुरू करने की सोच रहे हैं, लेकिन उनके पास बच रहा है सिर्फ 2 महीने टाइम। बहुत सारे स्टूडेंट जो सरकारी सीट की आस लगा के बैठे हैं, वो तो जनवरी से तैयारी कर रहे हैं। मेरे साथ जुड़कर चैनल पर प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, जनवरी से प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी फॉर्म डालने के बाद में प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं, लेकिन अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि 2 महीने में हम कैसे तैयारी कर सकते हैं, किस तरीके से रणनीति बनाकर तैयारी करें कि हमें 2 महीने में सरकारी सीट मिल जाए। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर एक वीडियो बना दीजिए स्ट्रेटजी प्लान पे, जिसमें हम 60 डेज में कैसे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, सरकारी सीट ले सकते हैं तैयारी करके। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती, हो सकता है 10 मिनट की वीडियो, हो सकता है 15 मिनट की भी वीडियो हो जाए, बट जितनी भी चीजें रहेंगी इसमें आपके काम की रहेगी, आपके फायदे की रहेगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी जाकर आपको कोई फायदा मिलने वाला है, वरना अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी आपकी मदद मिले, आपको मदद मिले, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है भाई, वीडियो को लाइक कर देना एंड एक प्यारा सा कमेंट कमेंट में जरूर कर देना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और प्रिपरेशन करने के लिए, अगर बीएड के छात्र हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर भी बेल आइकन को ऑन कर लेना, यहाँ से ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेशन, वीडियो और क्लासेस मिलती हैं। आगे आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको क्लासेस करनी है हमारे चैनल पर। देखिए, बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि हमें पढ़ना क्या एग्जैक्टली। वो मार्केट से जाकर गाइड बुक ले आते हैं, उसमें बहुत सारा भर भर का कंटेंट रहता है, और वो पूरा पढ़ना शुरू कर देते हैं और उनका आखिर तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है। रीज़न ये है कि आप एक जब तक रणनीति तो नहीं बनाओगे कि मुझे कब कितने दिनों में क्या चीज़ें कवर करनी है और कब क्या पढ़ना है, तब तक आप किसी भी परीक्षा को क्रैक नहीं कर सकते हो दोस्तों। खासकर बीएड प्रवेश परीक्षा में स्ट्रीम वाइज का सेक्शन है, ठीक है, अभी आगे बताने वाला हूं। स्ट्रीम वाले, जैसे आर्ट स्ट्रीम के जो बच्चे हैं, साइंस स्ट्रीम के जो बच्चे हैं, जो कॉमर्स के हैं, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है इस सेक्शन में जो 50 प्रश्न पूछे जाएंगे आर्ट के, साइंस के, कॉमर्स के, इसमें क्या पढ़ना है। सबसे ज्यादा दुविधा इसी में बच्चों को होती है, ये भी आपको बताने वाला हूं वीडियो के एंड में, इसीलिए मैं बोल रहा हूं वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई, किसी भी परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले, अगर आप नए सिरे से तैयारी शुरू कर रहे हो, तो भाई सबसे पहला स्टेप होता है कि आप उस परीक्षा के पैटर्न को समझे, ठीक है। तो हम सबसे पहले आपको क्विक एक बहुत ही तेजी से, बहुत ही आसानी से आपको हम पैटर्न समझाने वाले हैं कि क्या इसका एग्जाम पैटर्न है, ठीक है। वन बाई वन करके हम सारे आपके डाउट क्लियर करेंगे और आपको स्टेप बाई स्टेप बताएंगे, ताकि आपको आसानी से समझ में आए, घोच पोछना हो, ठीक है। तो चलो भाई एग्जाम पैटर्न देख। तो भाई ये है बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 का एग्जाम पैटर्न, यानी परीक्षा प्रारूप। आपके 2 पेपर होंगे, ठीक है, एक ही दिन होगा पेपर, 2 पेपर होंगे, एक मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, एक इवनिंग शिफ्ट में होगा, ठीक है। पेपर वन में आपके 2 सब्जेक्ट के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला जो सब्जेक्ट होगा वो सामान्य ज्ञान का होगा, जिसके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर प्रश्न 1-2 अंक का होगा, यानी कि टोटल 100 नंबर का एक सेक्शन होगा। उसके बाद में और दूसरा जो सब्जेक्ट रहेगा वो भाषा से रहेगा, यानी पेपर वन में 2 सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट जीके के 50 प्रश्न और दूसरा जो सब्जेक्ट रहेगा वो भाषा संबंधित रहेगा, उसमें आपको आपके चॉइस पे बेस्ड रहेगा। यानी कि अगर आप हिंदी व्याकरण करना चाहते हैं तो हिंदी व्याकरण के 50 प्रश्न कर दीजिए, अगर आप इंग्लिश ग्रामर करना चाहते हैं तो इंग्लिश ग्रामर के 50 प्रश्न कर सकते हैं, यानी टोटल 85 करने, चाहे तो आप हिंदी करें चाहे आप अंग्रेजी करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। और यहाँ पर चूज़ करने से आपका एग्ज़ाम का लैंग्वेज जो है, आप चाहे तो हिंदी मोड में, हिंदी में दे रहे हैं या फिर इंग्लिश में दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसे, ठीक है, आप चाहे जो चूज कर सकते हैं यहां पर। तो यहां पर आपको पेपर वन में जीके के 50 प्रश्न करने हैं और 50 प्रश्न लैंग्वेज के करने हैं। फिर उसके बाद में आपका जो जो कुल अंक होगा पेपर वन का 200 अंकों का होगा, और जो आपका समय अवधि होगी पेपर वन का 3 घंटे का समय होगा। उसके बाद में आपका यहां पर जो पेपर टू होगा उसमें भी 2 सब्जेक्ट होगा, उसमें आपका पहला जो सब्जेक्ट रहेगा वो रीजनिंग रहेगा, जो सभी सभी स्ट्रीम वालों के लिए अनिवार्य होगा, और पेपर वन भी जो आपका दोनों सब्जेक्ट है सभी स्ट्रीम के लिए सेम रहेगा, एक ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर पेपर टू में जो आपका दूसरा सेक्शन रहेगा,
आपका विषय योग्यता से रहेगा कि अगर आपने ग्रेजुएशन में बीए वगैरह कर रखा है तो आपके आर्ट स्ट्रीम के 50% करने, अगर आपने साइंस स्ट्रीम कर रखा है, बीएससी वगैरह कर रखा है, बीसी वगैरह कर रखा है तो आपका विज्ञान वर्ग होगा, अगर आपने कॉमर्स कर रखा है ठीक है तो आपका क्या होगा, आपका वाणिज्य के प्रश्न होंगे, कॉमर्स के करने होंगे, अगर आपने एग्रीकल्चर कर रखा है तो एग्रीकल्चर से आपके 50% करने होंगे। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न, इसका भी 3 घंटे समय रहेगा। अब एग्जाम पैटर्न समझने के बाद मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, नेगेटिव मार्किंग को लेकर बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो भाई बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होने वाला है, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा यहाँ पर ठीक है। आपको अगर 3 प्रश्न आपने गलत किया तो 1 प्रश्न का अंक यानी 2 नंबर काट लिया जाएगा ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है पेपर। अब भाई बताते हैं कि कैसे आपको तैयारी करना है। अब आपका पहला स्टेप हो गया, आपने एग्जाम पैटर्न समझ लिया। अब दूसरा स्टेप होता है किसी परीक्षा की तैयारी करने का, उस परीक्षा का प्रीवियस पेपर को सॉल्व करना, उसको देखना कि किस तरीके से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस का डिफिकल्टी क्या कितना है, यानी कि कितना कठिन प्रश्न पूछा आता है, मॉडरेट लेवल का पेपर आता है, इजी आता है। देखो इससे क्या होता है, पेपर सॉल्व करने से क्या होता है, एक तो आपको टॉपिक पता चल जाते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन टॉपिक रिपीट होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दूसरी चीज़ आपको ये भी पता चलता है कि पेपर बहुत आसान आएगा या बहुत टफ आता है या मॉडरेट आता है। इससे क्या होता है कि आपको एक आकलन हो जाता है कि मुझे किस लेवल की तैयारी करनी है ठीक है, मुझे कितनी मेहनत करनी है इस परीक्षा के लिए। तो भाई पेपर खासकर यूपी बीएड की अगर बात करें दोस्तों, तो सबसे ज्यादा पेपर, जितना ज्यादा आप पेपर सॉल्व कर लो, कम से कम मैं रेकमेंड करूंगा 10 साल का प्रीवियस ईयर पेपर आप जरूर सॉल्व करें। पिछली वीडियो में मैंने यही रेकमेंड किया था कि कम से कम आप 10 साल का पेपर सॉल्व करें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आपने 10 साल का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लिया यूपी बीएड का, तो 50% तैयारी मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपका पेपर सॉल्व करने से ही हो जाएगा ठीक है। अब देखिए भाई पेपर भी बच्चे सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, गूगल से डाउनलोड कर लेते हैं या फिर आप जो गाइड बुक खरीद लेकर आए होंगे मार्केट से 300-400 रुपए की, उसमें भर भर के कंटेंट रहता है, 3-4 साल का पेपर भी लगाए रहते हैं ठीक है। उसमें किस तरीके से पेपर रहता है दिखाता हूं, उसमें कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पेपर लगा रहता है गाइड बुक में ठीक है, जिसमें केवल क्वेश्चन क्वेश्चन रहते हैं, आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता है ठीक से ठीक है, कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है ठीक है। और ऐसे में इन पेपर का कोई मतलब नहीं होता है ठीक है, जब तक हम उन पेपर को समझे नहीं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया है, क्या आंसर इसका राइट है, तो कोई मतलब नहीं होता है ऐसे पेपर्स का। अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, पेपर सॉल्व करो भाई, तो अच्छे से करो, विथ एक्सप्लेनेशन करो। अगर आप हमारा क्रैश कोर्स परचेस, जिसकी कीमत नाम मात्र 149 रुपये है, इसमें आपको 10 साल का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, और कैसे मिलेगा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सिर्फ 10 साल का पेपर नहीं मिलेगा, मैं बताने वाला हूँ, बहुत सारा कंटेंट है, ये मत सोचिएगा 149 रुपये में 10 साल का पेपर सर दे रहे हैं, कुछ नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ वन बाई वन करके बता रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि हमारे कोर्स में क्या क्या चीज़ें मिल रही है ठीक है। तो सबसे पहले 10 साल का पेपर मिल रहा है, कैसे पेपर मिल रहा है वो दिखाने वाला हूँ। देखिए हमारे क्रेश कोर्स में इस तरीके से पेपर अरेंज किया गया है, 2011 से लेकर 2021 तक का 10 साल का पेपर इसी तरीके से विथ एक्सप्लेनेशन, देखिए जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन। अब क्या होता है परीक्षा में कि एग्जामिनर क्या करता है कि एक क्वेश्चन अगर इस पैटर्न से पूछा तो उसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है। तब जब आप एक क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे, डिटेल पढ़ लेंगे उसका, तो अगर उसी टॉपिक पे उसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन अगर पूछेगा एग्जामिनर नेक्स्ट टाइम, तो आप प्रश्न को हल कर सकते हैं आसानी से ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इस तरीके से 10 साल का पेपर हमारे कोर्स को परचेस करने के बाद में सॉल्व करते हैं, तो 50% की तैयारी गारंटी है कि कोर्स से आपकी हो जाएगी, केवल पेपर से हो जाएगी। अभी मैं आपको बताने वाला हूं और क्या क्या कंटेंट है हमारे क्रैश कोर्स में, मात्र 149 रुपए में कितना कुछ आपको दे रहा हूं। इसी तरीके से सब कुछ दिया गया सॉल्व, देखिए केवल हिंदी रीजनिंग एक्सप्लेन नहीं किया गया, देखिए सब कुछ एक्सप्लेन किया गया, चाहे वो आपका जीके हो चाहे आपका हिंदी हो, सब कुछ एक्सप्लेन किया गया। जीके के जितने क्वेश्चन है वो सारे एक्सप्लेन किए गए जो पूछे गए प्रीवियस पेपर में। और इस बार आपको पता है कि इस बार महात्मा ज्योतिबा भाई फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली फिर से आयोजित कर रहा है परीक्षा, तो देखिए 2011 में भी आयोजित किया था इसी यूनिवर्सिटी ने, इसका पेपर भी हमारे आपको क्रैश कोर्स में मिल जाएगा, जो कि अलग कहीं नहीं मिलने वाला ठीक है। इस विश्वविद्यालय के द्वारा कैसे पेपर तैयार किया था हमारे कोर्स के द्वारा देख सकते हैं दोस्तों। इस कोर्स को खरीदने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से परचेज कर सकते हैं। तो भैया अब आपको समझ में आ गया कि आपको सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर ही सॉल्व करने हैं। अगर आपने तैयारी अभी से शुरू किया तो सबसे पहले 10 साल का पेपर सॉल्व करना है। पेपर आपको गूगल वगैरह पर ढूंढने की जरूरत नहीं है दोस्तों, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में 10 साल का प्रीवियस ईयर पेपर हमारे कोर्स में दिया जाएगा, जिसकी कीमत मात्र 149 रुपये है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, इसको खरीद सकते हैं। इसमें इतना ही नहीं, इसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, करंट अफेयर, प्रैक्टिस सेट सब कुछ दिया गया है। अभी मैं आपको आगे बताता हूँ कि कैसे जीके वगैरह इसमें अरेंज किया गया, बहुत ही लाजवाब तरीके से, बहुत
बहुत ही आसानी होगी, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंतिम दिनों में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। कम समय में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे क्रैश कोर्स को जरूर परचेज करें। 2,000-2,500 का क्रैश कोर्स नहीं है भाई, 149 रुपये क्या है आप जाकर मार्केट में देख लीजिए। 10 प्रैक्टिस सेट का बुक भी नहीं मिलेगा 150 रुपये में आपको, इतना सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है। लिंक इसका परचेज करने का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से खरीद सकते हैं। एक व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, अगर लिंक से परचेज नहीं हो पा रहा है, पेमेंट फेल्ड हो जा रहा है कार्ड से, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे खरीदना है। देखिए, कोर्स को परचेज करने के लिए हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और नीचे यहाँ पर सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा क्रैश कोर्स का लिंक, इस पर क्लिक करना है और जाना है और कोर्स को परचेज कर लेना है। नाम, ईमेल आईडी और एड्रेस वगैरह डाल के, मतलब आपको फिल करके, एड्रेस तो मांगेंगे नहीं क्योंकि आपके डायरेक्ट जीमेल पर चला जाएगा पूरा नोट्स आपके पास, ठीक है, पेमेंट कर देना, आपके जीमेल पर चला जाएगा पूरा कंटेंट। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, पेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं कि हमें सर कोर्स खरीदना है, कैसे खरीदने, ठीक है, तो आपकी पूरी सहायता की जाएगी। कॉल नहीं करना है, कॉल नहीं उठेगी, केवल आप व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर। अब भाई आपने पेपर मान लो सॉल्व कर लिया 10 साल का, अब उसके बाद में कुछ आपको चुनिंदा टॉपिक बता रहा हूँ मैं हर सेक्शन से, जैसे समान ज्ञान में जीके में क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये आपको बता दे रहा है कि कौन कौन सा पढ़ना है। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक हैं, अगर आप गाइड बुक लेकर आए मार्केट से, बिल्कुल लेकर आए होंगे, 300-400 रुपये खर्चा ही किया होगा आपने लेकर आए होंगे, उसमें बहुत सारे टॉपिक दे रखे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ सिलेक्टेड टॉपिक बता रहा हूँ जो कोई नहीं बताएगा, उसको आप पढ़ो, उस पर फोकस करो, तो कम समय में तैयारी हो जाएगी आपकी अच्छे से। देखिए, जीके सेक्शन में बता रहा हूँ, पेपर वन में जो जीके सेक्शन रहेगा पहले में, उसमें आपको भारतीय इतिहास अच्छे से पढ़ लेना है। अब आप देखिए, भारतीय इतिहास अगर आप बुक में जाकर देखेंगे तो उसमें मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास सब कुछ रहेगा, कैसे पढ़ेंगे आप सारे, अगर आप इन तीनों को पढ़ने लेंगे तो 3 महीना तो वैसे केवल आपको हिस्ट्री पढ़ने में लग जाएगा। इसलिए दोस्तों, ये जो इतिहास है आपका, इसके जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है 10 साल का पेपर को एनालाइज करने के बाद में, हमारे क्रैश कोर्स में 200 क्वेश्चन सिलेक्टेड डाले गए हैं, सिर्फ 200 क्वेश्चन सिलेक्टेड डाले गए हैं इतिहास के, जिसमें मध्यकालीन इतिहास के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके प्राचीन इतिहास काल के हैं, जो आपके आधुनिक इतिहास के, उनका मिला के मात्र निचोड़ 200 क्वेश्चन तैयार किया गया, ठीक है, हमारे क्रैश कोर्स में प्रोवाइड किया एमसीक्यू फॉर्म में, ठीक है, बहुत वन लाइनर नहीं है, एमसीक्यू फॉर्म में दिया गया है, जिसकी कीमत मात्र 149 रुपए में ही आपको ये सब कुछ मिलेगा, मैं जो आपको बता रहा हूं, ठीक है। जीके के सेक्शन के लिए हिस्ट्री सब कुछ टॉपिक वाइज डाला गया है, 200 क्वेश्चन डाल दिया गया है आपका जीके का, इसको रीजनिंग, सॉरी हिंदी का, माफ कीजिएगा, हिस्ट्री का। उसके बाद में आपको भूगोल पढ़ना है, इसके भी आपको 200 क्वेश्चन हमारे क्रैश कोर्स में मिल जाएगा, निचोड़ बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन। उसके बाद में आपको विश्व का भी भूगोल भी थोड़ा सा पढ़ लेना है, भारतीय संविधान पढ़ लेना है। देखिए, जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ हमारे क्रैश कोर्स में, सभी के टॉपिक से 200 क्वेश्चन सिलेक्टेड डाले गए। सिलेक्टेड का मतलब समझ रहे हैं कि उन्हीं 200 क्वेश्चन में से जहाँ तक क्वेश्चन फंस जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, कम समय में पढ़ने का मतलब क्या होगा कि सिलेक्टेड ही पढ़िए आप। 2 महीने में अगर डिटेल में पढ़ोगे नहीं पढ़ पाओगे, सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा। आपको जो पढ़ना है कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, भौतिक विज्ञान पढ़ना है, रसायन विज्ञान पढ़ना है और जीव विज्ञान पढ़ना है। ये सभी स्ट्रीम के लिए बता रहा हूं भाई, ये मत समझना कि ये साइंस स्ट्रीम के लिए है केवल, फिजिक केमिस्ट्री बायो सबके लिए भाई, सब पढ़ना, ठीक है। क्रैश कोर्स में फिजिक्स का 200 क्वेश्चन, बायो का 200 क्वेश्चन, केमिस्ट्री का 200 क्वेश्चन, हिस्ट्री का 200 क्वेश्चन, सिलेक्टेड की बात कर रहा हूं, ज्योग्राफी का 200 क्वेश्चन, पॉलिटी का 200 क्वेश्चन, सबके 200 सिलेक्टेड क्वेश्चन डाले गए। सोचो, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने बना दिया है, मैंने तैयार कर दिया सब कुछ दोस्तों, मात्र 149 रुपए में 10 साल का पेपर और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के एमसीक्यू दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों जीके के कुछ हिस्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आपको एक मेन चीज पढ़ना है, विविध मिसलिनियस जिसको कहते हैं, ये भी मैंने अपने कोर्स में डाला है, 149 में ये भी दिया है मैंने, जिसमें आपको देश पढ़ना है, राजधानी पढ़नी है, उनके मुद्रा पढ़नी है, और महत्वपूर्ण दिवस पढ़ने हैं, संसद के नाम पढ़ने हैं, अनुसंधान पढ़ना है, खोज पढ़ना है, पुस्तक और उनके लेखक पढ़ना है, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ना है, और उन संगठनों के मुख्यालय का नाम पढ़ना है कि कहां इनका मुख्यालय है। तो ये चीजें पढ़नी है, ये सब कुछ हमारे कोर्स मिल जाएगा। देखिए, मेन चीज होता है कंटेंट का अभाव, बच्चों को नोट्स प्रोवाइड नहीं होता, अच्छी बुक प्रोवाइड नहीं होती है, वो गूगल पर सर्च करते हैं, वो इधर उधर की किताबों से पढ़ते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, कम समय में तैयारी नहीं हो पाती है। हमारा मात्र 149 रुपए पढ़ करके जो हमारा नोट्स खरीद लोगे उसमें इकट्ठा मिल जाएगा आपको, आपको समय बचत हो जाएगी आपकी, बस उसको लेकर बैठ जाना है और पढ़ना शुरू कर देना है, टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक क्लियर करते जाना है, समय बच जाएगा। तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, कैसे खरीदना मैंने आपको बताया, ये जल्दी से खरीद लीजिए।
अब आते हैं इसी तरीके से हिंदी के सेक्शन में। जो आपका हिंदी अगर आप चूज करते हो पेपर वन में, तो हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, भाषा और व्याकरण पढ़ना है, वर्ण तथा ध्वनि विचार पढ़ना है, शब्द विचार में तद्भव तत्सम देशज विदेश संकर ये सब पूछा था ज्यादा बीएड में, संधि पूछा था, समास पूछा था। अब देखो भाई हमारे क्रश कोर्स में इसका भी दिया गया है कंटेंट, यानी कि आपके जितने भी हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके भी एमसीक्यू हमारे 149 वाले कोर्स में ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। सब कुछ दिया जा रहा है भाई 149 रुपए के लिए, इतना मत सोचना। एक बार खरीद लोगे ना आप कहोगे सर इसकी कीमत अगर आप 400 रुपए भी लेते ना तो भी हम चुकाने को तैयार थे, ठीक है, कि अगर आप इतना कुछ दे रहे हैं उसमें। 490 पेज का पूरा क्रैश कोर्स है भाई, उसमें पूरा सब कुछ भर भर के मिल जाएगा। ये सारे टॉपिक जो है हिंदी के हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको आप जरूर पढ़िए, ठीक है। ये देखिए मुहावरे हैं, वाक्य रचना है, छंद हो गया, रचना रचनाकार हो गया, ठीक है, ये विलोम हो गया, ये सब पूछे जाते हैं बीएड परीक्षा में, इन पे ज़्यादा फोकस करना इन लास्ट टाइम में, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप पेपर वन में हिंदी नहीं इंग्लिश चूज करते हो 50 क्वेश्चन, तो उसके लिए आप रीडिंग कम्प्रिहेंशन पढ़िए, फिल इन द ब्लैंक्स पढ़िए, कॉमन एरर पढ़िए, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पढ़िए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़िए, स्पेलिंग्स पढ़िए, आइडम्स एंड फ्रेज पढ़िए, इन सारे क्वेश्चन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है, अगर आप इंग्लिश ग्रामर चूज करते हो तो। हिंदी वालों के लिए बता दिया। बात कर लेते हो दोस्तों रीजनिंग का, रीजनिंग का हमारे जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ, इन टॉपिक्स पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एमसीक्यू हमारे क्रैश कोर्स में डालेंगे, जिसकी कीमत 149 ही है, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, 149 रुपए में ही सब कुछ दिया जा रहा है भाई। 490 पेज में सब कवर कर दिया गया, जीके कवर कर दिया गया, आपका हिस्ट्री कवर कर दिया गया, पॉलिटी कवर कर दिया गया, इकोनॉमिक ज्योग्राफी सब कवर कर दिया गया, रीजनिंग कवर कर दिया गया, आपका प्रीवियस पेपर 10 साल का दे दिया गया, सब कुछ दिया जा रहा है भाई, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक हैं जिनको आप ज़्यादा पढ़िए, रीजनिंग में ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग में उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना अच्छा आपको रीजनिंग आएगा, ठीक है। जैसे एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया, ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज हो गया, सीरीज टेस्ट हो जाएगा, लॉजिकल सीक्वेंस वर्ड हो गया, ये सारे टॉपिक आपके रीजनिंग में इंपॉर्टेंट। देखिए अब सॉल्व पेपर और प्रीवियस पेपर सॉल्व करने के बाद में मैंने जो टॉपिक वाइज आपको बताया है चीज़ों को, उनको आपको पढ़ते जाना है, जो हमारे क्रैश कोर्स में ही अवेलेबल रहेगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको हिस्ट्री के जो दो सौ क्वेश्चन दिए गए वो पढ़ना है, आपको पॉलिटी का पढ़ना है, जितने भी सिलेक्टेड टॉपिक के दिए गए हैं वो सारी चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद में क्या करना है, जो कुछ भी आपको पढ़ना है डेली सॉल्व प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जो आपको हमारे चैनल पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, लाइव कराता हूँ, दिखाता हूँ मैं। नोट्स पढ़ने के साथ साथ डेली सॉल्व करिए, प्रैक्टिस सेट करिए, ठीक है, प्रैक्टिस सेट जितना लगाएंगे उतना अच्छा। आप प्रैक्टिस सेट के लिए बिल्कुल फ्री में हम क्लासेस चला रहे हैं, आपको कोई भी पैसा देना नहीं है, कोई भी कोचिंग नहीं ज्वाइन करनी है। जो बच्चियां जो लड़कियां घर से बाहर निकल के कोचिंग क्लासेस नहीं ज्वाइन कर सकते, इतने पैसे नहीं कि कोचिंग भी ज्वाइन करें उसके लिए, तो उनको हमारे चैनल पर आ जाना है, जिस वे इस वीडियो को देख रहे हो उसी चैनल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप जाइएगा, विजिट कीजिएगा, ये हमारा जो चैनल है स्पेशली बीएड पर इस परीक्षा की ही तैयारी कराता है। आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर डेली हमारे चैनल पर प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, डेली रेगुलर कराया जाता है, मैं अभी टाइमिंग आपको बता रहा हूँ, ठीक है। डेली क्लास कराया जाता है हिंदी का, रीजनिंग का, जीके का, करंट अफेयर का, सारी क्लासेस चलती है, फ्री में चलती है। अगर आप फ्री में ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए कोई भी पैसा नहीं देना है, करना है बस एक छोटा सा काम, इस चैनल पर जो देख रहे हो, जिस पर वीडियो को देख रहे हो उस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना, जो रेड कलर का बटन दिख रहा है नीचे उसको आपको प्रेस कर देना है, उसके बाद ये बेल आएगा, बेल आइकन को ऑन कर देना, ऑल पे सेट कर देना, ठीक है, ऑल का ऑप्शन आएगा उस पे आपको ऑन कर देना है, तो आपको सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप हमारे क्लासेस में ज्वाइन हो जाओगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। क्लासेस की टाइमिंग अगर आप जानना चाहते हो तो ये रही क्लासेस की टाइमिंग, इन टाइमों पर आपको हमारे चैनल पर लाइव आ जाना है, चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो इन टाइमों पर आपके फोन पर नोटिफिकेशन आ जाएगा क्लास का, उस पर क्लिक करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई दोस्तों प्रैक्टिस सेट की, जो कि हमारे चैनल पर रेगुलर प्रैक्टिस होती है, आप हमारे चैनल पर रेगुलर क्लासेस लीजिए, और जो मेन चीज़ बचा है वो एवरी वीक रिवीजन, जो कुछ आप पढ़ो, जो हमारा नोट्स अगर आप खरीद रहे हो उसमें जो 200-200 क्वेश्चन दिए गए हैं सारे हर टॉपिक के, प्रीवियस पेपर दिए गए हैं, टॉपिक वाइज दिए गए, उनको आप जो भी पढ़ो हर हफ्ता उसको रिवीजन करो, ठीक है। आप एक टाइम बना लो कि मुझे एवरी वीक में संडे को रिवीजन करना है, जो पीछे पढ़ाऊँ मैं 7 दिन 6 दिन, ठीक है। तो आप रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, भूल जाओगे भाई, कोई फायदा नहीं होगा, कितना भी कुछ पढ़ लो, ठीक है। कितना भी सिलेक्टेड चीज़ें मैं आपको दे दूँ, 50 क्वेश्चन भी दे दूँ, अगर आप मात्र मैं उसको सेलेक्ट करके 10 क्वेश्चन भी निपटा दूँ कि 10 क्वेश्चन में से ही 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी अगर आप एक दिन पढ़ के उसके बाद ना पढ़ो, रिवीजन ना करो, तो कोई फायदा नहीं, वो 10 क्वेश्चन भी भूल जाओगे, 10 में 2 भी याद नहीं रहेगा। तो ये तो 200-200 क्वेश्चन की बात है भाई, तो इनको याद जरूर करना है, अब इससे ज़्यादा निचोड़ चीज़ें आपको क्या दे दूँ मैं। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा मस्ट है, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो 2 महीने में सरकारी सीट चाहते हो, ठीक है। और क्रैश कोर्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रैश कोर्स को जरूर, इसमें मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया वन बाई वन करके कि इसमें 10 साल का पेपर मिल रहा है विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है।
और आपको सारे टॉपिक के एमसीक्यू मिलने हैं, सारे सब्जेक्ट मिले, जैसे हिंदी हो गया, जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, स्ट्रीम हो गया, सब कुछ आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। दूसरा काम क्या करना है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई हेल्प चाहिए मुझसे, कुछ मुझसे आप बात करना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो बीएड का, तो बीएड के हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पर ग्रुप डिस्कशन होता है, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से बात करके आप अपने पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर सकते हो। साथ साथ हमारे इस ग्रुप में आपको सारी क्लासेस का पीडीएफ फाइल भी सेंड किया था, जैसे जो क्लासेस कराया उसका रिवीजन करने के लिए पीडीएफ फाइल भी मैं सेंड करता हूँ, तो यहाँ से आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और क्लासेस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोर्स को परचेज करने के लिए हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और सबसे ऊपर आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके जाना है, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने का पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, गूगल पे, पेटीएम, सभी से ऑप्शन है, वहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे पेमेंट सक्सेसफुल होगा, डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आपके जीमेल पे भी कोर्स चला जाएगा, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, पासवर्ड चला जाएगा। अगर पेमेंट फेल्ड हो जा रहा है कोर्स परचेज करने के टाइम में, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं कि सर पेमेंट फेल्ड हो जा रहा है या हमें कोर्स खरीदना है, तो वहां पर भी आपकी सहायता की जाएगी कि कैसे आपको कोर्स परचेज करना है। सिर्फ आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल नहीं करना है। अगर इस वीडियो में कुछ छूट गया हो या कोई डाउट रहेगा इस वीडियो के माध्यम से, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल, यहाँ पर देख सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया गया है, आप मुझे यहाँ पर क्लिक करके जाके मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो फॉलो करके। बहुत बहुत शुक्रिया क्लास को देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं क्लास में, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना अगर अच्छी लगी हो तो।